आपको याद नहीं करना है कि आप उस चीज को याद कर रहे हो फिर उसको बना रहे हो, याद करने से आप भूल जाओगे, ठीक है, उसको सीखना। हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा पाल वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल में। आज हम जो वीडियो लेके आए हैं उन बहनों के लिए लेके आए हैं जो स्टिचिंग सीखना चाहती हैं, जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हैं, घर पर बैठी हैं, कुछ काम नहीं है, उनको सिलाई आती है बट अंदर एक झिझक है, वो झिझक किस तरीके से दूर करनी है आपको, आप अपने काम को किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं और आपके अंदर जो कमी है उनको आप किस तरीके से पूरा कर सकते हैं, आपको सिलाई आती है आप अपने काम को आगे किस तरीके से लेके जा सकते हैं, कस्टमर आपके पास नहीं है और कस्टमर को आपको बुलाना है, आप कस्टमर आपके पास किस तरीके से आएंगे, इस तरीके की काफी प्रॉब्लम्स है जो हम आपकी सोल्व करने वाले हैं। पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसके बाद हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो आपको मैं बताना चाहती हूँ, आपके लिए मैं बेस्ट ऑफर लेके आई हूँ जो कि स्टिचिंग सिखाने का लेके आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि हर बहन मेरी तरह आप अपना बुटीक ओपन करें। हमने कहाँ से स्टार्ट किया आप वो भी जानेंगे और हमने भी छोटे से ही स्टार्ट किया था और इस तरीके से आप भी कुछ बड़ा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपकी मेहनत आपकी लगन भी होना जरूरी है। हम आपके लिए जो 1 महीने का कोर्स लेके आए हैं, मैं चाहती हूँ कि जो भी आपका बेसिक डाउट है वो सारा मैं आपका क्लियर करूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं इसी के बेस पे कि आप किस तरीके से कर सकते हैं और आपको क्या क्या करना चाहिए, ईमानदारी से किस तरीके से आपको काम करना चाहिए। मैं आपको कुछ टिप्स देती हूँ कि आप उनको फॉलो करेंगे और फिर इसी तरीके से आप बने रहें। तो मैं दिल से चाहती हूँ कि हर बहन स्टिचिंग सीखे, क्योंकि स्टिचिंग आप सीखते हो उसमें भी आपको काफ़ी स्कोप मिलता है। अगर आपका इंटरेस्ट है तो दूसरों को देख के काम नहीं करना है कि वो काम कर रहा है तो मैं भी करूँ। आपका जिस चीज़ में भी इंटरेस्ट है, अगर आपका स्टिचिंग में है तो आप स्टिचिंग का सीखिए, अगर आपका किसी और चीज़ में है तो आप वो काम कीजिए, ठीक है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है। अगर आपका इंटरेस्ट होगा तभी आप प्रॉपर कुछ काम कर सकते हैं, तभी आप अच्छे से काम कर पाएंगे। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि जैसे मैंने स्टार्ट किया था, मेरा स्टिचिंग में स्टार्टिंग से ही शौक था स्टिचिंग सीखने का। जैसे शादी से पहले स्टिचिंग की, उसके बाद फिर मैंने घर पे भी किया, फिर शादी के बाद काफ़ी टाइम छोड़ दिया, उसके बाद भी फिर मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि मेरा स्टिचिंग में शौक था। अगर हमारा शौक रहेगा तभी हम किसी काम को अच्छे से कर सकते हैं, अगर हमारा शौक नहीं है किसी काम में, हम जबरदस्ती काम करते हैं तो वो काम अच्छे से नहीं होगा। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए कुछ मैं आपको बातें बताती हूँ, वो होना आपके अंदर जरूरी है। जैसे हमें अपना काम दिल लगा कर करना है, मेहनत लगा कर करना है, मेहनत से करना है, ठीक है, और एक गोल बनाना है कि कितने टाइम में हमें ये काम सीखना है। जैसे अभी आप काम सीख रहे हो तो आपको एक गोल बनाना है, 6 महीने में हम ये काम अच्छे से सीख लेंगे या 3 महीने में ये काम हम अच्छे से सीख लेंगे, ठीक है, एक गोल बनाना है आपको। उस गोल बनाने के बाद आप उसको काम में इंटरेस्ट तरीके से आप पूरा इंटरेस्ट दिखा के उस काम को करते हैं, ठीक है। दूसरा, आप हर सुबह अपने आप को एक मोटिव के उससे उठना है कि आज मेरे को ये काम करना है, ठीक है, खुद से मोटिव होना है, ना कि किसी दूसरे की वीडियो देख के। किसी दूसरे के हम वीडियो देख के मोटिव होते हैं, थोड़ी देर के लिए रहता है कि हाँ हमें ये करना है, ठीक है, लेकिन थोड़ी देर बाद वही चीज़ गायब हो जाती है। आपको खुद अपने आप से मोटिव होना है, खुद सुबह सोचना है, रात में सोच के सोना है कि हमें कल ये काम करना है, ठीक है। सुबह उठते ही आप सोचेंगे आज मेरे को ये काम करना है अपना, ये जैसे आप कोई भी, आप स्टिचिंग से ही ले लीजिए, जैसे आपने कोई भी काम लिया, कोई भी आप एक टॉपिक लेते हो, जैसे कुर्ती का लिया, आज हमें ये कुर्ती का ये फॉर्मूला है या फिर ये स्टिच करना है, ये आज हमें सीखना ही है, पूरा दिन हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है। पूरा दिन आपको टाइम नहीं मिलता है, कोई नहीं, आप उसमें 2-3 घंटे ईमानदारी से अपना काम करते हैं, ठीक है, आज कीजिए, कल कीजिए, परसों कीजिए, कंटिन्यू उस चीज़ को कीजिए। अगर आप कुर्ती का करें, कंटिन्यू कुर्ती का रखिए, उसके बाद जैसे आपका पैंट का आ गया, आपको पैंट का करना है, उसको फिर आप कंटिन्यू रखिए, कंटिन्यू लगातार आप 10-15 पैंटें बना के रखेंगे। आप देखेंगे जो फर्स्ट पैंट बनाई थी, आप बनाते बनाते 10-12 पैंटें बना लेते हो, आप खुद समझने लग जाते हो कि वो चीज़ किस तरीके से करनी है। देखो, आपको याद नहीं करना है कि आप उस चीज़ को याद कर रहे हो फिर उसको बना रहे हो, याद करने से आप भूल जाओगे, ठीक है, उसको सीखना है। अगर आप जितना सीखेंगे, जितना ध्यान से उसको समझेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे और आप अच्छे से अपना काम कर पाएंगे। तो इस तरीके से आपको कोई भी, आप अपना स्टिचिंग सीखते हो, कुछ भी काम करते हो, इस तरीके से आपको रहना है अपने काम में, ठीक है। अगर आप अपना 100% देते हो तो मैं भी अपना 100% दूंगी, ठीक है। हमें 1 महीने में कोशिश करनी है कि हम 1 महीने में, जो हमने ये 1 महीने का कोर्स स्टार्ट किया है, हम उस 1 महीने में
मैं अपना 100% देती हूँ तो आपको भी अपना 100% ही देना है, ठीक है। आपको उस चीज को अच्छे से सीखना है। आपको एक महीने बाद मेरे पास ये मैसेज आने चाहिए कि मैम आपने जो 1 month में सिखाया है हमें प्रॉपर उस चीज का पता चला है, बेसिक में हमारा कोई भी डाउट नहीं है। बिना डर के, डाउट कब आता है? जब आपके अंदर झिझक रहती है, ठीक है। आप सोचते हो कि हमें ये चीज नहीं आती है, पता नहीं सही कटेगी गलत कटेगी, तो ये डाउट रहते हैं, ठीक है। आपके अंदर घबराहट रहती है, वो तभी रहती है जब आपको कोई चीज नहीं आती है। अगर आपको कोई प्रॉपर चीज अच्छे से आती है, जैसे आप खाना बनाने से ले सकते हैं, आप खाना बनाते हो, डेली खाना बनाते हो सुबह शाम, बिल्कुल आपको बताने की जरूरत नहीं है कि इतना इसमें आटा लेना है, इतना इस तरीके से करना है, लोई बनानी है, इस तरीके से गोल करना। आप टेंशन में भी होते हो, कैसे भी होते हो, आप अपना खाना कंटिन्यू बना देते हो बिना सोचे समझे। इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर किसी चीज की भी आप प्रैक्टिस करते हो, कंटिन्यू चीज को करते हो, तो आप बिना झिझक के कर लोगे, ठीक है। वो है, आपको कोई चीज आ जाती है प्रॉपर, तो वो झिझक, वो डर अंदर से अपने आप ही खत्म हो जाता है। हमारे पास इतने फोन और कॉल इसी बेस पे आते हैं कि हमें स्टिचिंग आती है उसमें, फिर हमें आर्म होल में, हमें तीरे में, हमें फिटिंग में प्रॉब्लम हो रही है, हैवी साइज है तो प्रॉब्लम हो रही है, कम साइज है तो प्रॉब्लम हो रही है, पैंट की कटिंग कैसे करें, इस तरीके की इतनी सारी प्रॉब्लम्स है कि किसी की समझ ही नहीं आ रहा है कि कटिंग कैसे की जाए और कैसे ना की जाए, क्योंकि डाउट इतने हैं अपने अंदर। इस चैनल की यूट्यूब का देखा तो ये वाली कटिंग करने लगे, उधर देखा तो वो कटिंग। आपको सबसे पहले एक जगह ठहरना होगा, ठीक है, किसी भी एक की जो आपको लगता है कि हाँ हम यहाँ पे अच्छे से सीख सकते हैं। किसी को भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप मेरा ही चैनल देखें, किसी का भी चैनल देखें आप, जिसका आपको सही लगता है उसका चैनल आप देखो, और वहाँ पे आप कंटिन्यू, अगर आपको वहाँ पे सीखने को मिल रहा है, कंटिन्यू आपको वीडियो मिल रही है, तो आप वहाँ पे कंटिन्यू सीखो और अच्छे से उस चीज को समझो, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आपने देख लिया और आपको आ गया, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, अगर मैं भी कोई वीडियो आपको भेजती हूँ, तो आज आपने भेजी, मैंने भेजी, जैसे एक टॉपिक पे वीडियो भेजी, आपको वो सिर्फ देखनी नहीं है, आपको उसकी प्रैक्टिस भी करनी है। आप फिर चाहे उसको सैंपल के तौर पे, आप कोई भी लाइनिंग का पीस ले सकते हो, कुछ भी पीस ले लीजिए, उस पर आप सैंपल बना बना के रख सकते हैं। जैसे हमने आर्म होल तीरे का ये वाला निशानी बताया, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। इससे प्रैक्टिस से क्या होगा, आपका फिर वो जो अंदर का डर है वो निकलेगा। आप मेरे पास निशान लगा लगा के उनकी फोटो सेंड कर सकते हैं कि आप हमारा ये चेक कर लो सही है या नहीं है, ठीक है, हम आपकी इतनी हेल्प जरूर करेंगे। तो इसी तरीके से आपको आगे बढ़ना है। मैं भी ऐसा नहीं है कि मैं परफेक्ट हूँ, ठीक है, हर कोई परफेक्ट नहीं होता है, बट जितना आप प्रैक्टिस करते जाओगे आप परफेक्ट होते चले जाओगे, आपके अंदर का डर खत्म हो जाएगा। और जिस दिन आपके अंदर का डर खत्म हो जाएगा, फिर आप बिना झिझक के किसी भी साइज का कोई भी निशान या फिर कोई भी काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये ही, कोई भी काम आप जिस चीज में परफेक्ट हो वो काम कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारे साथ जुड़ना है आपको, तो आप हमारी वीडियो को देखें, उसको अच्छे से समझें, प्रैक्टिस करें, ठीक है। इससे फिर क्या होगा, आपका तजुर्बा भी, आप जैसे टाइम पीरियड चलता है, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है, उससे भी आपको कुछ काफ़ी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब आ जाइए कि आपको काम आ गया, आता है, लेकिन फिर अब आपके जो कस्ट अब आता है कि आपको काम आ गया, अब आपके कस्टमर कैसे बने, ठीक है। जैसे आप काम करना आप घर से स्टार्ट करते हैं, आप घर अपना घर से स्टार्ट करेंगे, जैसे अपने पड़ोस के, रिलेटिव के, आप स्टार्टिंग इसी तरीके से करेंगे, उनके कपड़े बनाएंगे, फिर आप उनके वो किसी दो को बताएंगे, चार को बताएंगे, इस तरीके से आपका काम बढ़ेगा। अब आप बोलते हो, अभी जैसे फोन आ रहे हैं बहुत से कि हाँ हम एक बार सूट बना के दे देते, दो बार बना के देते हैं, फिर कस्टमर नहीं आता, क्योंकि आपके अंदर कमी है, ठीक है, आप अच्छे से उसको नहीं दे पा रहे, बस यही कमी है और कुछ नहीं है। बाकी आपका जो प्राइस है वो मार्केट से कम प्राइस रखिए, आपको मास्टर का देना नहीं, कारीगर का देना नहीं, शॉप का किराया नहीं निकालना है, तो आप अपने हिसाब से कम मार्जिन रखिए, कम सिलाई रखिए, ठीक है, इससे भी आपके कस्टमर बनेंगे। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, जैसे किसी भी मार्केट में मास्टर टेलर बुटीक इस तरह से होते हैं, आप उनके पास जाइए, उनके पास जाके आप काम लेके आ सकते हैं कि आप जिस चीज़ में आप परफेक्ट हैं, सबसे पहले आप वही काम पकड़ेंगे। अगर आप पेंट बनाने में बिल्कुल परफेक्ट हैं, वहाँ पे जाके आप बोलेंगे आप एक सैंपल के लिए बनवा के देखिए, आपका अच्छे से बना के देंगे, अगर उनको पसंद आएगा, आपका काम अच्छा है, फिनिशिंग में है, तो वो आपको जरूर काम देंगे, ठीक है। आप इस तरीके से जिस चीज़ में परफेक्ट है पहले वो काम पकड़िए, धीरे 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 फिर आप उस तरीके से काम बढ़ा सकते हैं। दूसरा
आप अपने अगल बगल में अपने फ्रेंड सर्कल में जाके काम बता सकते हैं कि हम इस तरीके से करते हैं और वो आपको जरूर काम देंगे, ठीक है। दूसरा, आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, पैम्पलेट छपवा सकते हैं, जैसे पार्क हो गया आपका, कोई धागे वाली जैसे शॉप हो जाती है वहाँ जाके आप बात कर सकते हैं। इस तरीके से मार्केट में जाके भी आप जगह जगह अपना एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। फिर तीसरा आता है, आप यूट्यूब पे, इंस्टा पे, इस तरीके से भी आप अपनी वीडियो अपलोड कर सकते हैं। देखो मेरी बात सुनो, यूट्यूब अगर इंस्टा से अगर आप करते हो तो ऐसा नहीं है कि यूट्यूब और इंस्टा वाले ही आपके कस्टमर बनेंगे। उससे क्या है, जो आपको जानने वाले हैं, जैसे आप काम करते हो, कोई भी पीस बनाया आपने, आप इंस्टा पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे इस तरीके से अपना बना हुआ पीस दिखाते हो, ठीक है। उससे क्या होता है, जो आपके जानने पहचानने वाले हैं, अगल बगल के हैं, रिश्तेदार हैं, या फिर आपके पड़ोसी हैं, पड़ोस के रिश्तेदार हैं, इस तरीके से सबके पास सबका फ़ोन नंबर सारी चीज़ उस पर आप डालेंगे तो वो चीज़ आपकी दिखती है कि इसने ऐसा बनाया है। उनका कॉल जरूर आएगा आपके पास, एक बार जरूर आएंगे कि अगर आप ऐसा काम करते हैं, हमें भी एक अपना सैंपल बना के, कोई सूट बना के दिखाएं, जिस चीज़ में आप इंटरेस्टेड हैं, जो आप काम कर रहे हैं उसी से रिलेटेड, तो फिर वो आपके पास जरूर आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं, उससे आपका काम भी बढ़ेगा और मेरा भी इसी तरीके से, जैसे हमने काम करना स्टार्टिंग में किया था, फिर धीरे धीरे इसी तरीके से जानने पहचानने वाले के हमने सूट बनाए, फिर अपने घर में ही बनाए थे, फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे मार्केट में आए, फिर मार्केट में धीरे धीरे जैसे सबको पता चला, फिर इसी तरीके से यूट्यूब से, फेसबुक से, इसी तरीके से ही हमारा और काम धीरे धीरे ही बढ़ता है। हमें आज 10 साल हो गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही इतना बड़ा कोई भी काम कर सकता है। काम धीरे धीरे ही बढ़ता है, धीरे धीरे ही लाइन पे आता है, ठीक है। एकदम से कभी काम आएगा भी, कभी नहीं भी आएगा, ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू एक ही तरह से काम चलता रहेगा, स्पीड में ही चल रहा है, लो भी आएगा, हाई भी होगा, हर तरीके से होगा, ठीक है। आपको मैनेज किस तरीके से करना है, आपको किस तरीके से सोचना है, वो आप सोचेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की वीडियो मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अगर इसी से रिलेटेड आपको और भी कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए है तो आप हमसे ले सकते हैं। बाकी हम जो वीडियो अपलोड करेंगे उसमें भी हम बीच बीच में इसी तरीके के आपको आइडिए देते रहेंगे, आपको मोटिव करते रहेंगे, आपके लिए इस तरीके के वीडियो बीच बीच में ज़रूर बनाएंगे ताकि आपको उस चीज़ से हेल्प मिले। और उसमें हम आपको फैब्रिक से लेके, मेजरमेंट से लेके, फिटिंग से लेके सारी चीज़ें ही बताने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो आप सबको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको मोटिव मिला है तो भी कमेंट करना, जैसे आपको फील हुआ, जैसे आपको लगा है, तो वो वाली चीज़ें हमारे साथ ज़रूर शेयर करना। आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।